अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमीज गुड लाइफ। मैं अमरी नली आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पाव भाजी की टेस्टी रेसिपी। तेल 1 टेबलस्पून, बटर 2 टेबलस्पून, एक छोटा कैरेट और शिमला मिर्च, पाव भाजी मसाला 3 टेबलस्पून, 3 मीडियम साइज के टमाटर, 1.5 टीस्पून, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद इसे मैश करेंगे। अब इसे निकालकर साइड में रख लेंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे, 1 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून होने तक भून लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, थोड़ा सा पानी डालकर भून लेंगे ताकि प्याज जल्दी से गल जाए, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, पाव भाजी मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून हाथों से क्रश करके डालेंगे, 2 मीडियम साइज के मैश किए हुए आलू डालेंगे, 1 साइड में मसाला तैयार करके रखा था वो डालेंगे, मैशर से मैश कर लेंगे, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 नींबू का रस। अब इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। भाजी बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, 1 तवे में बटर 1 टीस्पून डालेंगे और पाव भाजी मसाला 1/2 टीस्पून। अब पाव को बीच में से कट करके सेक लेंगे। ये थी हमारी पाव भाजी की टेस्टी रेसिपी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।